फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। गाइस, दो ऑफिशियल अर्जेंट नोटिस जारी हुए हैं स्टेट वाइज, तो आज मैं वही इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्या अर्जेंट नोटिस जारी हुए हैं, किस राउंड को लेकर है। तो गाइस, आज ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड, मेडिकल लाइन से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे विदाउट एनी डिले। तो गाइज, अब हम चलते हैं डायरेक्टली जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो देखिए। तो गाइज, यहाँ मैंने सबसे पहले ओपन किया है हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग की, वो ओपन की है। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए कुछ दिया गया है, देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपका चल रहा है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट, बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज क्या दिया है, क्लिक हेयर फॉर द रजिस्ट्रेशन इन एमबीबीएस बीडीएस कोर्स। ठीक है, एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और जो रजिस्ट्रेशन है एमडी एमएस डीएनबी कोर्सेज का भी आपका स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप एमबीबीएस बीडीएस या एमडी एमएस डीएनबी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दो ऑफिशियल नोटिस जो है 18 मार्च आज ही की डेट में आपके जारी किए गए हैं। तो कौन कौन से ऑफिशियल नोटिस है, इसके अंदर क्या लिखा गया है, तो सबसे पहले गाइस ये है सेकेंड राउंड का शेड्यूल, और गाइस ये है मॉपअप राउंड का शेड्यूल। ये अलग अलग कोर्सेज के लिए है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो पैरामेडिकल कोर्सेज है, जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है, उसका जो शेड्यूल है वो क्या है। तो देखिए, तो गाइस सबसे पहले जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए ऑफिशियल नोटिस है। एडमिशन जो है बीएससी नर्सिंग के जो यहाँ ऑफिशियल नोटिस दिया है, एडमिशन टू नर्सिंग बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग एंड नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम फिजियोथेरेपी बीपीटी एमपीटी एंड पैरा मेडिकल कोर्सेज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड बाई पंडित बीडी शर्मा यूएचएस रोहतक फॉर द एकेडमिक सेशन। तो गाइस हम डायरेक्टली ये देख लेते हैं जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रही है। तो ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन है 19 मार्च से 21 मार्च तक आपका चलेगा। अगर आपको एडिटिंग करनी है, गलती से भी कोई गलती अगर आपने फॉर्म में कर दी है और आप जो है एडिटिंग करना चाहते हैं, तो 19 से 21 मार्च तक ही एडिटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी चॉइसेस रहेगी, वो आपको जो चॉइस फिलिंग एंड ब्लॉकिंग रहेगा वो 19 मार्च से 23 मार्च तक आप कर सकते हैं। प्रोविजनल अलोकेशन ऑफ सीट्स जो होगा वो 25 मार्च को होगा। अगर कोई ग्रेवेंसेज रह जाती है, इफ़ एनी ऑन द प्रोविजनल एलोकेशन लिस्ट, तो 25 मार्च को होगी। डिस्प्ले ऑफ एलोकेशन लिस्ट आफ्टर ग्रेवेंस रिड्रेसल, वो 25 मार्च को होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, वो 26 मार्च से 29 मार्च तक आपका होने वाला है। और जो ज्वाइनिंग की लास्ट डेट रहेगी रिपोर्टिंग की इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, वो 30 मार्च को आपको आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपका जो शेड्यूल है ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, वहीं से ये लेटर जो है डाउनलोड किया गया है। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है उसकी तरफ। तो गाइस ये है नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिस जो कि मॉपअप राउंड को लेकर है। तो मॉपअप राउंड का जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन वेब पोर्टल दिया गया है haryana.onlinecounseling.co.in। तो 19 मार्च से 21 मार्च तक जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो गाइस ये ध्यान रखना है, ये मॉपअप राउंड जो है पीजी कोर्सेज के लिए है। ठीक है, सबमिशन जो होगा ऑनलाइन चॉइसेस वो 19 मार्च से 21 मार्च होगा। फिजिकल ऑफलाइन एलोकेशन जो होगा वो 22 मार्च को होगा गाइस। एडिटिंग जो होगी चॉइस एंड चॉइस लॉकिंग की, वो 22 मार्च को अप टू 3 PM तक होगी। प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट्स जो होगा 25 मार्च को होगा। प्रोविजनल एलोकेशन लिस्ट जो होगी 25 मार्च इवनिंग 3 PM तक। एलोकेशन लिस्ट जो डिस्प्ले होगी 25 मार्च को हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा 30 मार्च को होगा। और जो लास्ट डेट रहेगी ज्वाइनिंग की वो 1 अप्रैल रहेगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है जो आपको पढ़नी है। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन, जो ऑलरेडी ज्वाइन कर सकता है, किया जा जो स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है किसी सीट पर, अलॉटेड टू देम थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। द कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द सेम शैल बी अवेलेबल इन द लॉगिन आईडी ऑफ द कैंडिडेट फॉलोइंग विच द कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर। ठीक है,
तो गैज़ जो भी स्टूडेंट्स यहाँ ऑलरेडी पहले से रजिस्टर कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए एंड आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड, उनको वापस से रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एलिजिबल होंगे मॉपअप राउंड के अंदर। कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होने वाला है, सीट्स नॉट बी अलाउड, यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है। तो गैज़ फ़ी वगैरह के बारे में पूरा दिया गया है। तो अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन पूरी इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ना है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और गैज़ किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गैज़।